أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهتنا الصِّرَاطَ المستقيم صَرَاطَ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين استقال اش كدرس कोयटा के अश्फनाक अलमनाक इस हादसे में जहाँ ग्यारह ममिन को बेदर्दी के साथ शफाकियत के साथ शहीद कर दिया गया इस हवाले से ताज़ियत पेश करते हैं इतलात के मुताबिक इस सायने की जिम्मेदारी दाश ने कबूल की है लेकिन हमारे लिए ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दाइश हो या सिपाही सहाबा हो ये सब जिस कारखाने की साख थे हमें उस पर नज़र रखनी चाहिए हम अली अपने अभी तलेब के लिए पाकिस्तान में सरजमीन पाकिस्तान पर मुक़दस पाकिस्तान पर इसराइल का परचम सिर्फ जलते हुए काबिल बर्दाश्त थे हम कोयटा के इन मजलूम शुहदा के ख़ानदान वालों से इजहार हमदर्दी करते और दुआगो है कि खुदावंद मत इन्हें जन्नत के अला मकाम नसीब फरमाए और क्यों ना ऐसा हो कि सुर यासिन के पैगाम के मुताबिक हमें चाहिए कि शहदा के खान वादों को मुबारकबाद पेश करें जहाँ सर यासिन में इर्शाद हो रहा होता है कि शहीद जहा शहादत के मकाम पर फायज होता है और जन्नत में दाखिल होता है तब वहाँ से पैगाम देता है कि रब्बी रबी वी मक्रमी एक आश हमारे रिश्तेदार हमारे खानदान वाले को पता चल जाता कि खुदावंत मुताल ने हमें क्या सिला अता किया है खुदा ने हमें मुक्रम में से करार दिया है कुरान में मुकरमीन से मुराद मलाया हुआ करते हैं सुरबिया में है। काश मेरे माँ मेरे बाप मेरी माँ मेरे बच्चे मेरे भाई मेरी बहन मेरे रिश्तेदारों को पता होता कि मुताल ने हमें किस कदर अजीम सिलात फरमाया है या किस कदर अज़ीम सिला फरमाया शहदा की आजू है उनकी ख्वाहिश है कि वो ये चाह रहे कि उनके खान वादे उनकी फैमिली मेंबर्स तक ये ख्वाहिश पहुँच जाए कि ख़ुदा खुदांद मत उन्हें एक अजीम सिला फरमाया है और ये शहादत का मकाम ये आला मकाम कासिम सुलेमानी के हवाले से कि वो इस शहादत को तलब करने के लिए आरफा के दिन मशद मुकदस इमाम रजा सलाम के हरब में जाकर शहादत तलब करते शहादत मांगते इमाम रजा सलाम तीस साल महाज जंग में एक महाज से दूसरे महाज गुजरते गए तीस साल शहादत की तलाश करने में उन्होंने गुजार दिए तीस साल ये ख्वाहिश यह आर्जू उनके दिल में थी कि वो शहादत की मौत ने नसीब हो और किस कदर अजीम और बेहतरीन मौत और शहादत की वो अजीब एडबन एडबा वाली मौत उनको नसीब हुई तो ये शहदा के खानदानों के साथ शहदा की फैमिली मेंबर्स के लिए खुशखबरी और मुबारकबाद है जुल्म अपनी जगह पर जुल्म पर ताजियत है लेकिन शहादत के मकाम मिलने पर उनके साथ उनको उनकी ख़िदमत में मुबारकबाद पेश करती इस हफ्ते हम बल्कि तमाम तर आलाम इस्लाम के ऊपर एक अजीम एक और मुसीबत और वो ये एक अजीम मुफक्र के वजूद से हम बेनसीब हो गए हज़रत आयतल मिसबा यजदी के जिनके बारे में रहबर मौज़म इंकलाब ने इन बुलंद ताबीर को बयान फरमाया अपनी ताज़ियती पैगाम में जहाँ रहबर मज़मान इंकलाब ने तज़ियती पैगाम नशर फरमाया तो उसमें हज़रत आयतल मिसबा यजदी के हवाले से बुलंद तबिर इस्तेमाल की कि रब्बानी आम मुजाहिद और फ़कीह हकीम बर्जस्त मुतफ़िर लायक मुदीर हक़ की आवाज़ हक़ के रास्ते में साबित क़दम दीनी फिक्र को अहिया करने वाले मुमताज़ शागिर्दों की तरबियत करने वाले इनकलाबी मैदानों में हाजिर रहने वाले जहाद बिन नफ़ में तवील अरसा गुजारने वाले वाद तोहद के सालिक परहेजगार मतकी और मेरे यानी रहबर मज़म के देरीना दोस्त और अज़ीज़ भाई ये वो एजाजात है जिन्हें रहबर मज़म इनकलाब हज़रतम मिसबा यजदी को इन एजाज़ात से नवाज रहे तो ये कितना अज़ीम मकाम और फिर रहबर मज़म इनब का वो जुमला जो उन्होंने हजर आयतल मस्् यजदी के नमाज़ बयान फरमाया वो सच्चे रहबर इऩलाब फरमा रहे केवाले के से क्या आय के हवाले से आयतल मसवा के बारे में खैर के सिवा कुछ नहीं जानते खैर ही खैर थे वो वजूद उनके वजूद से भी आलम इस्लाम बेबहरा हो गया खुदावंद मताल से दुआ कि खुदावंद मताल हमें अपने वज़ाइफ और ड्यूटीज़ को जानने और उन पर अमल करने की बेहतर तरीक़े से तोहफी इनायत फरमा और शहादत की इस मंजिल को मौत तो बिलाकर हर एक ने आनी है तो कितनी खूब होगा कितना अच्छा होगा कि हमें मौत शहादत की मौत नसीब हो आइए आज हम अपने दरस तफसीर के हवाले से अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं सूरह मुबारक अलहम की पाँचवीं आयत ई क्या ना बो क्या हम बस तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं पुरानी करीम जिस तरह इबादत के मुस्बत पहलू को बयान फरमा रहा है और नमाज और नमाजियों की अहमियत को बयान कर रहा है साथ ही इस इबादत के मनफी पहलू को नेगेटिव पहलू को बयान फरमा रहा है और शिद्दत के साथ मजम्मत फरमा रहा है सुरे जो अपनी नमाज से वो जो दूसरों को दिखावे के लिए नमाज बजा लाते हैं इबादत करते है वो सिर्फ लफ्ज और मफहम के हद तक ही खुदा खुदा की इबादत कर रहे होते मदद मांग रहे होते और मैदान अमल में इबादत और इस्तेमानत को खुदा की जात में मुनसर नहीं कर रहे होते बल्कि उनकी नज़र इधर हो उधर होती है और दूसरों पर नज़र रखा करते हैं इसके बाद जो अगला पॉइंट जवादी जवादियामली बयान फरमा रहे वो ये कि क़ुरान मजीद अब तो और इबादत के रबते को तबीन करते हुए इबादत को अब के हदफ खिलकत तक पहुँचने का रास्ता तारफ़ करवा रहा है की आयत इंसान उस बीज की मानंद है जिसका दरमिया हदफ दरख बनना है और उससे बाला तल हदफ मेवा देना है और उससे बाला तर हदफ़ भी उसके लिए हो सकता है अगरच कुरान करीम की बाज़ आयात के मुताबिक इबादत करना इंसानी खिलकत का हदफ है लेकिन ये हदफ दरमियानी हदफ है न कि फाइनल हदफ़ न कि आखिरी हदफ क्योंकि वो बालत हदफ़ जिसे इबादत के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है वह यकीन तक पहुँचना वाह क्या यकीन इबादत को अपने पर की यहाँ तक कि यकीन की मंजिल तक फायद हो जाओ इबादत हर सूरत में मखलूक का हदफ है और ये मखलूक का हदफ है खालिद का हदफ़ नहीं है ऐसा नहीं कि खुदा मुताल किसी हदफ तक पहुंचने के लिए मिसाल के तौर पर माबूद बनने के लिए बशर को खल किया है खुदा मुताल ने ताकि गुनाहगारों का गुनाह खुदा को हदफ तक पहुंचने माने बन जाए नहीं क्योंकि खुदा तो महज गनी है किसी चीज का मोहताज नहीं किसी भी चीज से हर चीज से वह खुदा मुताब है और महाल है महज गनी किसी काम को किसी हदफ तक रसाई के लिए अनजाम दे किसी कमाल को पाने के लिए अनजाम दे इसी रूप से करीम सराहत के साथ बयान फरमा रहा है कि अगर कायनात के तमाम तर इंसान और दूसरे आबिद सबके सब काफिर भी बन जाए खुदा की कीबरियाई पर किसी किस्म की गर्द न बैठेगी अगर तुम सब के सब काफिर भी बन जाओ तो खुदा की तोहद में खुदा कीबरियाई पर कोई गर्द नहीं ना बैठेगी वो इस वजह से कि हर फेल का फाइल किसी कमाल तक किसी हदफ तक पहुँचने के लिए वो फेल बजा लाता है और अगर वो कमाल लामहदूद कमाल ना हो तो फिर इससे बालातर कमाल के पीछे जाता है और इसी तरह सिलसिला जारी रहता है यहां तक कि लामहदूल कमाल तक पहुंच जाए और अगर महज कमाल का मालिक वो लामहदूद का मालिक किसी काम को बजा लाए तो ये फर्ज करना कि उसने किसी मकसद को पाने के लिए उस काम को बजा लाया है ये गलत फ़र्ज होगी क्योंकि वो तो खुद लामहदूद कमाल है उसे अब कौन से कमाल की जरूरत बल्कि दूसरों को कमाल तक पहुंचने के लिए उस मतलब कमाल की ज़रूरत है वो लामहदूद खुदा किसी का मोहताज नहीं है और अगर ऐसी कामिल हस्ती अब अगर किसी कमाल को पाने के लिए किसी काम को बजा लाए इसका मतलब ये कि जो हमने फ़र्ज कर रखा था कि खुदांद मताल महज कमाल है और तमाम तर कमालात का वाद मालिक है यह हमारी फ़र्ज दुरुस्त न थी बल्कि खुदा महदूद कमालत का मालिक था और अपने नक्स को ख़त्म करने के लिए दूसरे कमाल का मोहताज था और वो जो मोहताज हो वो खुदा नहीं हो सकता और यही वजह है कि कुरान करीम ने कुवंद मुताल को महज़ कमाल होते हुए खिलकत का इब्तदा करने वाला मबदाफ़ाली करार दिया है और तमाम खिलकत यानी ये कायनत का आखिरी हदफ़ के तौर पर भी तारफ फरमा रहा है कि अवल जिस तरह खुदा ने सबसे पहले खुदा से पहले कोई चीज़ न थी इब्तद करने वाली इसी तरह खुदा हर चीज़ का खात्मा भी है एंड भी है और हर चीज़ की नहाय भी है तो खुलासे के तौर पर यह हुआ कि कुरान के मुताबिक इबादत करना खिलकत का हदफ है और क्योंकि लम्हा लम्हा ख़ुदा हमें खल कर रहा है और लम्हा लमह हमें अपने फ़ैज़ वजूद से नवाज रहा है सूर्य रहमान की आयत मन क्या खुली शान लिहाजा खुदा की इबादत भी हद नहीं रखती क्योंकि जिस तरह ख़िलकत की हद नहीं इसी तरह इबादत की हद नहीं और बिल्कुल जिस तरह इबादत का आगाज़ खिलकत के आगाज़ से इसी तरह इबादत का बका भी खिलकत के बका से है यानी जिस तरह खुदा हमें हर लम्हा वजूद की न्यामत से नवाज रहा है इसी तरह हमें भी हर लम्हा खुदा की उस नेमत का शुक्रिया अदा करता रह, करते रहना होगा और अगर कोई शख्स इस कमाल तक पहुंचने की राह में इबादत को दरकिनार रख दे उस दरख्त की माने थे जो नशोनुमा पाने से तनावर दरख्त बनने से रुक चुका है और जिस तरह पहले भी अर्ज हो चुका कि इबादत इंसान का आखिरी हदफ नहीं बल्कि दरमियानी हदफ है और आखिरी हदफ़ समर देना है आखिरी हदफ़ यकीन की मंजिल तक पहुंचना है वाहत रबा क्या हत्या या क्या यकीन इबादत यकीन की मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है जब तक इंसान यकीन की मंजिल तक ना पहुंचे, जवाल और अदम के गड़े में गिर सकता है और जब यकीन तक पहुंच गया तो आराम हो जाएगा सुकून मिल जाएगा इंसान इबादत के बग़ैर यकीन के बुलंद मकान को ना पहुंच सकेगा और जब तक इबादत को सहारा बना रहे बनाता रहेगा अहल यकीन है और अगर एक लम्हे के लिए भी उसने इबादत को तर्क कर दिया गुनाह में आलूदा हो जाएगा और अगर इबादत को इनकार कर दिया कुफर इर्तेदाद और अबदी महरूमियत में मुबतला हो जाएगा इस आयत यानी वबा या हत्ता या अतिया के यकीन में जो हती का वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है इस हती के वर्ड के इस्तेमाल किए जाने का ये मतलब नहीं है कि इबादत की हद को बयान किया जा रहा है नहीं बल्कि इबादत के बरकत और फवायद को इस हती के वर्ड के जरिए बयान किया जा रहा है ये आयत यकीन की नमत तक पहुंचने को रास्ता के तौर पर बयान फरमा रही कि इबादत इस तक पहुंचने का रास्ता है तरीका है खिलकत का आदब वो इबादत है जिसका नतीजा यकीन हो यकीन की मंजिल तक पहुंचना है इबादत के जरिए और वो इबादत करने वाला जो नूरानियत से बातिन की पाकिजगी से शहूद करने से महरूम रह जाए उनकी इबादत यकीन की मंजिल तक अब तक नहीं पहुंची ये लोग उस दरख्त की माने थे जो तनावर तो हो गया है उस पर पत्ते उग चुके हैं मगर दरख्त ने समर नहीं दिया मेवा नहीं दिया और कुरान करीम इस बारे में बयान फरमाते वाह हो नमाज गुजारो पर लिहाजा ये बयान किया जा रहा है कि वो जो नमाज को सिर्फ अपने सर से तकलीफ हटाने के लिए पढ़ता है वो भी इस वेल का शिकार है इस वाय का शिकार है और इससे वो जो बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ता उससे इससे बढ़कर वाय हो क्योंकि वो नहाई हदफ यानी यकीन तक नहीं पहुंच सकता है और नहायी हदफ तक पहुंचने का वाद रास्ता यह इबादत है इबादत के जरिए ये इबादत पर उस यकीन की मंजिल इस इबादत पर उसवार है तो क्यों कर इस इबादत को दरकिनार रख कर उस यकीन की मंजिल तक फायद हो सके नहीं ये मुमकिन नहीं है बिल्कुल जिस तरह समर का बका और दवाम दरख्त के बका और दवाम पर है इसी तरह अगर दरख्त होगा तो उस पर समर उग सकेगा और अगर दरख्त ही ना हो तो समर कहाँ उग सकेगा और ऐसा नहीं कि समर तक पहुंचने के बाद हम इबादत के मोहताज हैं हम दरख्त के मोहताज नहीं समर्थ का वजूद भी उस दरख का मोहताज है यकीन की मंजिल तक पहुंचने के बाद भी हम उस इबादत के मोहताज इबादत को दरकिनार नहीं रख सकते हमेशा हमें इबादत के साथ रहना होगा और इबादत करते रहना होगा ताकि हम उस यकीन की मंजिल को हफ्ज कर सके खुदांद मतलब हमें उस खालस इबादत की तौफीक इनायत फरमाए ताकि हम भी यकीन की मंजिल तक पहुँच सकें आज़ाद मोहतरम ये वही एयाम है फ़ातमिया के एयाम जहाँ पर हज़रत सहरा सलामल पर वो अपने ज़ख़म बर्दाश्त कर रही है वो मसायब बर्दाश्त कर रही है कि वो अज़ीम मसायब के अगर रोशन दिन पर ढहाए जाते तो तारीख रातों में बदल जाती फातिमा सलाम्ल का मातम लोगों को बता रहा है कि हुकूमत जालिम है बिल्कुल जिस तरह आज कोयटा की शहदा मा, की माँ बहनों बेटियों का मातम उन पर की, की निशानदेही कर रहा है फातिमा के गिरिए से दर्द दीवार रोती थी मदीने में आने वाला हर शख्स रोता था मक्का और मदीने में आने वाले बहुत सारे लोग हुआ करते थे जायरीन हुआ करते थे और अब मदीना के शहरी न थे तो उनका ये सवाल होता था कि ये बीबी कौन है कहा ये रसूल अल्लाह की अकलौती बेटी है पूछा इन पर ऐसी कौन सी मुसीबत आई कि इस तरह से मातम कर रही है उमर अपने जुबैत अंसारी का जुमला जनान में मौजूद कि वो लिखते हैं कि एक बार उसने शहजादी का मातम सुना घबरा कर करीब गया और कहा बीबी ये मातम आप बंद कर दीजिए मेरा कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया मेरी मौत आपके गिरिए से हो जाएगी अब ये पूछते थे जो मदीने में आने वाले लोग पूछते थे कि इन पर कैसा कैसा ऐसा क्या जुल्म हुआ जो इस तरह रो रही है ये जो सवाल किया अब जब जवाब देना शुरू हुआ तो किसी ने कहा उनका घर जलाया गया किसी ने कहा उनके पहलू पर कोड़े मारे गए किसी ने कहा उन पर दरवाजा गिराया गया किसी ने कहा उन पर उनके मोहसिन को शहीद कर दिया गया अलावलाकौमअलमी वसैयामी वालमकल कलिपुम बार हमारी इस कलील से तो कबूल फरमा हमारे गुणा सक़ीरा कबीरा को माफ़ फरमा दे इन मरहूमिन शहदा जो कि जन्नत में हैं यकीनन उनको जन्नत आला के आला मकामात नसीब फरमा इमाम ज़माना चल अल्लाह के साथ फरज व शरीफ के जूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके आवान अनुसार में शाम फरमा कर जामे शहादत नसी फरमाना तकब्बल मन्ना के अन तस्मी औरलीम व तोबाला और नवाबीम